बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार फेल होने के कांग्रेस के आरोपों का करारा जवाब दिया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी के 4 साल के शासन और कांग्रेस के 10 साल के शासन का आकलन करने के बाद खुद पता चल जाएगा कि बीजेपी ने क्या काम किया है। पिथौरागढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस भ्रमित है और मीडिया में झूठा प्रचार कर रही है। जोशी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने राज्य को बजट के लिए अतिरिक्त 60,000 रुपए दिए हैं, जो कि सूबे में अलग से विकास कार्यों पर खर्च हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड के साथ ही नमामि गंगे प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री सड़क योजना, कोऑपरेटिव सेक्टर और किसानों की ऋण माफी की महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार धन की व्यवस्था कर रही है। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रधानमंत्री द्वारा सूबे में योग दिवस मनाए जाने को लेकर उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड योग की स्थली रही है और ऐसे में पूरे विश्व भर में योग को पहचान प्रधानमंत्री ने दिलाई। 10 साल तक जब यूपीए की सरकार रही केंद्र में, उसने उत्तराखंड को क्या दिया? और जो कांग्रेस की 5 साल की सरकार रही उत्तराखंड में, उसने क्या किया? वो हमारी सरकार का कंपैरिजन करें, 1 साल 1.25 साल की उत्तराखंड की सरकार का कंपैरिजन करें और 10 साल की भारत सरकार जो यूपीए की रही उसका और 4 साल की हमारी सरकार का कंपैरिजन करें, तो उसमें दिखेगा कि भाई क्या काम हुआ है और क्या सरकार काम कर रही है। झूठ का सहारा लेकर के कांग्रेस जो है मीडिया में ये प्रचारित कर रही है कि डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, बजट के अतिरिक्त हमने इस प्रदेश को लगभग 60,000 करोड़ रुपए का नया एक तरह से पैसा दिया है, जिसमें हमारी ऑल वेदर रोड्स है, जिसमें हमारे नमामि गंगे के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा है, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक का कोऑपरेटिव के सेक्टर में हमने पैसा दिया है, जिसमें किसानों के 8,000 करोड़ के ऋण माफ किए हैं। क्या ये कांग्रेस को दिख नहीं रहा है क्या? सौभाग्य है कि जो हम लोग बहुत लंबे समय से कहते थे कि उत्तराखंड जो है कि एक योग की स्थली रही है और योग का प्रारंभ उत्तराखंड से हुआ है। आज जो योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का जो श्रेय है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चल की रिपोर्ट।